तेंदुखेड़ा के शासकीय डिग्री कॉलेज में युवा सांसद के कार्यक्रम में दमोह के सांसद हुए सम्मिलित। आज तेंदुखेड़ा के शासकीय डिग्री कॉलेज में युवा सांसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद दमोह सांसद प्रहलाद पटेल, 56 जब्बेरा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री दशरथ सिंह लोधी की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि छात्र छात्रों को यह ज्ञात कराया जाए कि सदन क्या होती है। इस सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आए। इस कार्यक्रम दौरान कॉलेज के समस्त छात्र छात्राओं ने 11 सूत्रों की मांगों को लेकर एवं कॉलेज के प्राचार्य एस के अग्रवाल के खिलाफ दमोह सांसद प्रहलाद पटेल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और छात्रों का यह भी कहना था कि प्राचार्य अपनी मनमानी करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर मान्यार्पण करते हैं, आप सभी स्वागत करेंगे। हमारे बीच चरित्र के साथ पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको एक घटना सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। प्राचार्य महोदय से इस बार का कार्यक्रम विधायक जी को समर्पित किया जाए, वो भी पहली बार सदन में है और आप लोग भी पहली बार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ जिसने जो वचन पत्र पेश किया था उस पर वो खड़ी नहीं उतरी, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अन्यथा अगर हमारे 7 दिनों के अंदर अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा छात्र संघ चकाजाम, तालाबंदी और अर्थी यात्रा के लिए, पुतला दहन के लिए अब निश्चित रूप से तैयार है, तथा अगर 7 दिनों के अंदर हमारी मांगें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो इस चीज़ के लिए हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ। 11 सूत्रों को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है आपके लिए, इस पर क्या कार्रवाई होने वाले हैं? इन मांगों को मैं शिक्षा विभाग में इन मांगों को उठाऊंगा और निश्चित रूप से इन मांगों पर कार्रवाई हो, ये पूरा प्रयास किया जाएगा। जब सत्र अंत पर है तब इस विषय पर चर्चा क्यों की गई? तो आपने अभी दी है, मैं अभी नया विधायक बना हूँ, पहली बार मैं आपके बीच आया हूँ, आपने दी है, अब आपको इसका कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, इसके बारे में टिप्पणी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अच्छा संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, देश समाज और राष्ट्र के लिए काम करता रहा है और मुझे पूरा विश्वास है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे देश समाज और राष्ट्र की हानि हो। उसने जो वचन पत्र पेश किया था उस पर कभी खड़ी नहीं उतरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसा क्यों? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बताएगी ये क्यों खड़ी नहीं उतरी। मैं तो आपकी ये मांगें हैं, इन मांगों पर विचार करके शिक्षा विभाग के सामने मांग रखूँ।